हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बी2 में। तो जो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम सब आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लॉग जिनको आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपनी बालकनी में खड़ी हुई हूँ, तो टाइम हुआ है अभी 10 बजे का। तो मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं बारिश लग गई है यहाँ पे भी। तो आज सुबह ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अभी मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है लेकिन आप धुंध भी देख सकते हैं। और जो सामने वाली हिल्स हैं वहाँ पे भी बर्फबारी हुई है। तो जैसे ही मौसम बिल्कुल क्लियर साफ होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि किस तरह की बर्फ पड़ी हुई है और हमारे घर से किस तरह का दिखता है ये वातावरण। तो ये देखिए आज सुबह ही हो गई है बारिश, और अच्छा भी है हमारी फसलों के लिए, ये बारिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम आ गए हैं आपसे बातचीत करने। तो वैसे तो हम आप लोगों के लिए और भी ब्लॉग बना सकते थे लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपके साथ बातचीत ही कर ली जाए। तो आप लोग कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक भी, मतलब परसों चौथ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जैसा कि आपको परिदेव ने बताया हुआ था। तो आज तबीयत ठीक है थोड़ा, बाकी आप लोग जानते ही हैं कि मेरा जो टाइम है वो डिलीवरी का आने वाला है बहुत जल्दी। तो अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अब हमें भी नहीं पता है कि कब डिलीवरी हो जाएगी। तो हमने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया था। तो बाकी हमारे सब्सक्राइबर ने ये भी कहा था कि बच्चे का सामान भी आपको पैक करना पड़ेगा, बच्चों के कपड़े, तो वो भी हम लोग पैक कर देंगे बहुत ही जल्दी आज। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ बातचीत कर लूं, क्योंकि पदेव भी कह रहे थे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं आपका हालचाल जानना चाहते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 10-11 बजे का, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग बना लिया जाए, आपसे बातचीत ही कर ली जाए, क्योंकि हम तो हर रोज़ आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं अपनी डेली लाइफ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ गपशप भी मार लूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा हालचाल पूछते रहते हो, और बहुत सारे लोग जितने भी मेरे YouTube चैनल में आते हैं मुझे कमेंट करते हैं और सभी कहते हैं कि हम लोग आपके लिए विश करते रहते हैं हर रोज़, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए इतना सब कुछ करी है। तो बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, आज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई सुबह। तो जैसा कि मौसम विभाग ने बताया था तो बारिश हो गई है आज, बाकी देखते हैं कि ठंड कितनी बढ़ती है अब। तो मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से डिलीवरी हो जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी तो फिर बाद में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए तो कुछ नहीं है लेकिन बच्चे के लिए ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसका इंतज़ाम भी हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जल्दी टाइम से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हमारे जो भी डेली सब्सक्राइबर हैं उनका तो मैं धन्यवाद करती ही हूँ कि वो हमारे ब्लॉग देखते हैं, और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर आए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो उनका तो दिल से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप लोग देखिएगा हमारे वीडियोज़, और बहुत ही जल्दी अब हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। पहले दिन महीनों में थे, अब दिन कुछ ही दिनों में रह गए हैं, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाकी तबीयत का कुछ नहीं है, मैं काम वगैरह तो ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं चलती रहती हूँ, क्योंकि चलना फिरना पोछा वगैरह लगाना ये सब मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ये सब मेरे लिए ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी कुछ नहीं है, बाकी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कभी कभी ख़राब भी हो जाती है तो उस टाइम सभी लोग मेरी हेल्प करते हैं। बाकी पतिदेव को मैंने जिम्मा दिया हुआ था कुछ दिन के लिए YouTube चैनल चलाने का, तो उन्होंने आपके लिए ब्लॉग बनाए होंगे। तो सच्ची बात बताऊं तो मैंने ब्लॉग नहीं देखे हुए पूरे अपने जो भी इन्होंने बनाए हुए थे, तो बाकी इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही है, गाड़ी को तो चलाना ही पड़ेगा दोनों को ही, तो कभी एक ड्राइवर बीमार हो जाएगा तो दूसरे ड्राइवर को गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे सब्सक्राइबर के लिए वीडियोस बनाएं, और बाकी हमारे सब्सक्राइबर कहते रहते हैं कि हमारा नाम भी लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो उसका भी मैं एक स्पेशली ब्लॉग बनाऊंगी कि अगर हम आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे चैनल में आए तो मैं ज़रूर लूँगी आपका नाम। बाकी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो गई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बास्केट और बच्चे के जो भी जितने भी सामान हम लेकर आए हुए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए करते हैं अब इसकी ओपनिंग और आप लोगों को भी दिखाते हैं बच्चों का क्या क्या सामान हम लेकर आए हुए हैं,
और आप लोगों की बहुत अच्छी बेस्ट सुजेशन रहती है हमारे चैनल पर। और ये तो करना भी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बेबी के लिए कपड़े लेना भी बेहद ज़रूरी है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप लोगों की एक बहुत ही प्यारी सुजेशन थी कि बच्चों के कपड़े भी आप लोग डाल लीजिए। तो ये कपड़े जो हैं बेबी के भी लेके आए हैं बच्चों के लिए कुछ थोड़े से बहुत, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के हैं और किस तरह के नहीं। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, बहुत ही पसंद आए मुझे। तो ये देख लीजिए, ये हमने अपने बच्चे के लिए लाए हैं, तो लेके आई है बेबी दीदी। तो उनकी पसंद तो आप सभी को पता है कि कितनी प्यारी है, तो ये देख लीजिए। तो ये मम्मी जी ने अच्छी तरह से धो धा करके रख दिए थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि दुकान में जो भी चीज़ें होती हैं इस तरह की, तो उनको सबसे पहले धोना पड़ता है। तो बाकी मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि ये क्या क्या है। तो ये शायद लंगोट होगा और इस तरह की ड्रेस है, फुल ड्रेस। और ये उसके अंदर की पहनने की इनर है, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े लाए हुए हैं। और ये है उसकी छोटी सी टोपी, देख लीजिए। तो ये सब कुछ मम्मी जी ने धो धा करके रख दिया था, बाकी बहुत सारा सामान लाया है। तो ये सब भी हम लोग अब पैक कर देंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि पैक करने से पहले एक बार आपको भी दिखा दें, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी YouTube फैमिली को भी शेयर कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग आप सभी के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। तो बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। तो यह एक छोटा सा रूमाल, बाकी जो चीज़ें रह गई है उसके बारे में भी आप लोग बता दीजिएगा कि क्या क्या लेना है और, तो क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। वैसे तो मम्मी जी खुद ब खुद कर लेंगी सब कुछ। तो ये देखिए, तो ये अभी उल्टे ही हैं, कुछ नहीं है, धोए हुए हैं अभी। तो ये बहुत ही प्यारे हैं, बाकी आधे हम लोगों ने भी लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जो जो भी हमने हम लोगों ने लिया हुआ है। तो सब कुछ हम लोगों को पैक करना पड़ेगा और फिर रख लेना है। तो बाकी ये शीट है कुछ, तो ज़्यादा आइडिया मुझे है नहीं कि ये क्या क्या है, लेकिन दीदी ने लाए हैं तो सोच समझ कर भी लाए होंगे, और मम्मी जी ने भी देखे हैं तो उनको भी पता ही होगा कि सारी चीज़ें हैं इसमें। ये टॉवल है, बाकी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये है वो किट जो कि बच्चे के लिए चाहिए होती है, तो ये भी दीदी ही लेके आए हैं। बाकी हम लोगों ने भी लिए हुए हैं बच्चे के लिए कुछ ड्रेसेस, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हम लोगों को अब बैग में पैक करने पड़ेंगे, तो ये भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर लिया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो बताना जरूर। तो सारी तैयारियाँ लगभग हो गई है, बस हमें इंतज़ार है अब कि कब जैसे हम जाएंगे और कब जैसे अपने बेबी को लेके आएंगे, तो वो खुशखबरी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये ड्रेसेस वगैरह, वो भी हम लोगों को बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को सब्सक्राइब की, ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो। बाकी और भी कुछ क्लिप्स हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत प्यारे प्यारे, तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा, और हम लोग भी दिन ब दिन प्रे करते ही हैं यहाँ पे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा और भी ज़बरदस्त। तो यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ, प्यार भरा स्नेह रखिएगा। ये था हमारा आज का ब्लॉग और इसकी एंडिंग कर रहे हैं यहीं पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नए व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल को चूज़ करने के लिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट है आप सभी लोगों का, तो इसको यूं ही आगे भी बढ़ाकर रखिएगा। तो एंडिंग कर रहा हूँ यहीं पर, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।